नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा विभिन्न समूहों के साथ किया गया बजट पूर्व संवाद सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। समावेशी एवं लोक कल्याणकारी बजट बनाने के लिए इस संवाद के दौरान किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए सरकार उद्योगपतियों की जरूरतों के मुताबिक बजट की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है, जिससे उन्हें राज्य में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्योग, व्यापार एवं कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के उद्योगपति राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार किया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को सभी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगे। राज्य सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। उद्यमी न केवल रोजगार ही प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अपनो अग्रणी राजस्थान की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस तरह का बजट लाएगी, जिसमें राज्य का 2047 तक का विजन शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में ही बिजली आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही सौर ऊर्जा एवं कुसुम योजना को भी राज्य सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद उद्योगों को बिजली आपूर्ति की समस्या से निजात मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति किसी एक उद्योग के बारे में सुझाव देने के साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव दें, जिससे राजस्थान प्रगतिशील, विकसित और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि राज्य में स्थापित उद्योग की प्रत्येक इकाई अग्रणी बने। राज्य सरकार अपनी नीति, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से उद्योगपति एवं व्यापारियों के हितों का संरक्षण करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से प्राप्त सुझाव लाभकारी हैं। उनका परीक्षण कर उचित सुझावों को परिवर्तित बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, चिकित्सा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। समृद्ध समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ समाज का होना बेहद आवश्यक है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान इसी दिशा में काम कर प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। प्रदेशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर राज्य सरकार आयुष्मान राजस्थान की संकल्पना को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में आए प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उनके द्वारा दिए गए सुझाव आम जन के लिए लाभकारी हैं। प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और उन सुझावों को शामिल कर प्रदेशवासियों के लिए लोक कल्याणकारी बजट लाया जाएगा। राजस्थान सरकार बराबर नजर बनाए हुए है, जिससे राज्यवासियों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण बिजली मुहैया कराई जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई।
बिजली की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे और राज्यवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। राज्यवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में भी बिजली से संबंधित कोई समस्या ना आए। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत कुछ महा राज्य में विद्युत की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक रहती है, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए गए MOU के क्रियान्वयन से राजस्थान के विद्युत मांग की भी पूर्ति होगी और राज्य विद्युत उत्पादन में सरप्लस की श्रेणी में आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्रीय उपक्रमों से समन्वय स्थापित कर इन MOU का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विद्युत निगमों एवं केंद्रीय उपक्रमों के साथ हुए MOU को समयबद्ध पूरा करें, जिससे आम जन को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, विभागीय योजनाओं का अधिकारी व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे आम जन, किसान और उद्यमी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आगामी 10 वर्ष की मांग को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनानी चाहिए, जिससे भविष्य की मांग को वर्तमान के प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप पर सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिससे भविष्य में इन कार्यालयों में होने वाले बिजली व्यय को शून्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में इन माध्यमों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए और ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए भी केंद्र सरकार के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी रबी फसल के सीजन को देखते हुए विभाग अपनी तैयारियां पूरी रखें, जिससे किसानों को सिंचाई हेतु सुचारू विद्युत आपूर्ति मिल सके। राज्य सरकार किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और PM कुसुम योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना का आम जन में प्रचार प्रसार करने और किसानों को योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने के निर्देश भी दिए। इस योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। 21 जून को मनाए गए 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के इस योग समारोह में गरिमामयी उपस्थिति रही। आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों एवं बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानवता को दिया गया अनमोल वरदान है। स्वस्थ जीवन शैली और आदर्श समाज की स्थापना में योग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने की जीवन शैली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में योग को अपनाकर स्वस्थ एवं मस्त रहे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, विधायकों, जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न योग आसन और प्राणायाम करते हुए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीसी के माध्यम से शामिल हुए। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले किसानों में राजस्थान के भी 65 लाख से अधिक किसान शामिल हैं, जिनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1,300 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 रुपए के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का निर्णय किया है। इससे राज्य पर प्रतिवर्ष 1,300 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डींग के सुंदरावली में शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद जीतराम गुर्जर ने साल 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार किसान एवं गरीब वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 90 दिनों में संकल्प पत्र के लगभग 45% वादों को पूरा किया है। सरकार ने किसानों को बिजली बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान एवं 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति जैसे अहम फैसले किए हैं। वहीं गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपए बोनस प्रदान कर 2,400 रुपए करने, फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने और 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।